आरआरबीपीओ मेंस के लिए आज स्टार्ट हुई है आप लोगों के लिए। तो आज हमारा उसमें पहला क्लास यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सारे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइए, जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं, और इस लिंक को फटाफट से कॉपी करके अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग कलेक्ट कर सकें, यहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें हमारे साथ। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबीपीओ मेंस की या बैंकिंग के एग्ज़ाम की, तो उन सारे बच्चों के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आप लोगों के लिए हम स्पेशल लेके आए हैं। कंप्यूटर सेक्शन आपका एक ऐसा सेक्शन है जो आपको सर मेंस के पेपर में आता है, और इस मेंस के पेपर में जीए और कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, राइट। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो क्लासेस को अटेंड करना चाह रहे हैं, वो फटाफट से ऑनलाइन जुड़ जाइए हमारे साथ इसमें सेशन में लाइव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को भाई कि आपका सिलेबस जो है वो क्या क्या है वो आपको बताना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या आपका सिलेबस है, इसके अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको पता रहे कि आप लोगों का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं इस एग्ज़ाम में, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ ऑनलाइन, और हम सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई और भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हमारे साथ, जिससे कि मैं सारे बच्चों को पूरी जानकारी दे सकूँ। आरआरपीओ मीन्स में यहाँ पे मेरे साथ जो हैं संजय हैं, श्रीकांत हैं, हेमंत हैं, हरिओम हैं, ठीक है, और अनिल संजीव जुड़ चुके हैं। वॉल्यूम पर आपका सही नहीं है तो एक बार चेक कर लो, वॉल्यूम तो मेरी एंड पर बिल्कुल सही है, ओके है। हाँ, ये क्लासेस अब रेगुलर होगी आपकी, बिल्कुल बता दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलने वाली हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो हम लोग सिलेबस की अगर बात करें सर, तो सबसे पहला तो आपका टॉपिक ये बनता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री, आपका पहला टॉपिक कुछ टॉपिक बनता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के आप क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका इसमें आता है आपका हार्डवेयर, ठीक है, जिसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं आपके। तीसरा टॉपिक आपका बनता है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट, रैम रोम, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपकी कैश मेमोरी रजिस्टर मेमोरी, ये टॉपिक बनता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में हम बात करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर आप देखें अगर आप, तो इसमें आपका वर्ड, इसमें आपका एक्सेल, इसमें आपका पावर पॉइंट, ये सारे क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं, यानी कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये बहुत टॉपिक ऐसे हैं सर जो इम्पोर्टेंट हैं, और मैं आपको इनको प्रॉपर डिटेल में पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक बनता है इसमें इंटरनेट, जो कि लाइव टॉपिक है सर, हम टाइम यहाँ पर कम स्पेंड करेंगे बातों में, सीधे टॉपिक पर चल लेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा आप लोगों से, और वो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो आपके बैंकिंग के एग्जाम में आती है। पेपर आपका आरआरबीपीओ क्लर्क हो, या आपका आईपीएसपीओ हो, या फिर आपका आरबीआई का हो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम है अगर आपका और उसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों को, तो इससे बाहर नहीं आएंगे। एक टॉपिक में बनता है आपका वायरस, एंटीवायरस, ठीक है, ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे आएंगे। और एक टॉपिक बनता है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। सर 18 को एग्ज़ाम है, उससे पहले पढ़ा दोगे क्या भैया? देखो 18 से एग्ज़ाम है आपका, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी हम कवर करा दें, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके लिए एग्ज़ाम में आएंगे। और इसकी क्वेश्चन की एक पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा, उस पीडीएफ में जो क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो भी बेड़ा पार है, ठीक है। बस लिंक को फटाफट से लाइक और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इसको, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और इस चीज़ को पढ़ें और समझें। मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाला हूँ सीधा आपके साथ, पहले टॉपिक पर शुरू करने वाला हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, जिसमें हम लोग बात करते हैं सीधा कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। लैटिन वर्ड क्वेश्चन आता है सर, कंप्यूटर वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया, कंप्यूटर वर्ड जो आया वो कहाँ से आया, तो सर वो लैटिन वर्ड से आया है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जर्मन फ्रेंच इस तरह से वर्ड दिए होंगे, और पूछ सकता है आपसे कि ये वर्ड कहाँ से आया, तो लैटिन वर्ड से आया है। जो मैंने आपको टॉपिक का नाम बताए हैं, हार्डवेयर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, वायरस एंटीवायरस और बाइनरी नंबर सिस्टम, ये टॉपिक आप लोग याद इनको समझ लीजिएगा। इन टॉपिक से ही आपके आरआरबी मेंस के अंदर आपको पता होगा कि पूरे 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे सर आपके?
पूरे 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और 40 क्वेश्चन आपके आएंगे तो समझ सकते हैं कि 40 क्वेश्चन की क्या वेटेज है आपके लिए, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। नेटवर्किंग में बिल्कुल, नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन आएंगे, नेटवर्किंग भी मैं आपको करा दूंगा, नेटवर्किंग भी होगी आपकी, टेंशन ना लें आप। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है। इरफान, मैंने तो उस सर से लिंक दे दिया है। हाँ बिल्कुल, लिंक मिल जाएगा आपको, सब कुछ यहाँ से मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, और क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दूंगा मैं आप लोगों को। जिन टॉपिक पर हम लोग लगेगा टाइम कम है तो हम लोग उस पर पीडीएफ के माध्यम से आपको वो सारी नोट्स दे देंगे आप लोगों को, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से छोड़ के ना आए आप लोग, ठीक है सर। 20 मार्क्स के होंगे, लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे? 40 हैं सर इसमें, ध्यान रखिएगा। 20 मार्क्स है लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे? 40 आएंगे। अब आते हैं सर हम यहाँ पर, तो इसमें एक तो सर पॉइंट ये बन जाता है कि फुल फॉर्म क्या होती है आपकी कंप्यूटर की। तो देखो, दो फुल फॉर्म मैंने लिखी है, जिसमें मोस्टली कॉमन फुल फॉर्म हमारी इससे पूछी जाती है, ये वाली फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड और टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। थोड़ा सा मैं फास्ट मोड में चलूंगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमें सिलेबस पूरा करना है और टाइम से करना है, जल्दी करना है, तो कोई भी डाउट रहे मुझसे आप कमेंट में पूछिएगा, आपको बता दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग फास्ट मोड में जरूर चलेंगे, ठीक है। माय नेम इज सुरेंद्र सोलंकी, ठीक है। और भाई आप लोगों के लिए बता दूं, मैं कंप्यूटर को मैं अड्डा 247 के साथ 9 ईयर से जुड़ा हुआ हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जितनी भी क्लासेस आपकी होती हैं उन सारी क्लासेस को हम लोग यहां पे करते हैं। IEPS, PSO, IT का भी क्लासेस लेता हूं मैं यहां पर, और बैंकिंग की भी क्लासेस लेता हूं, ठीक है। तो सीधे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, अब सर कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन डेटा, या हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट द डेटा एंड प्रोसेस द डेटा। डेटा को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग जो होती है वो आपके किस पे बेसिस पे होती है वो आगे मैं बताने वाला हूँ। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। इसके अंदर क्या एबिलिटी है सर? डेटा को स्टोर करने की, रिट्राइव करने की और प्रोसेस करने की इसमें एबिलिटी होती है। यू मे ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज कंप्यूटर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, सेंडिंग ईमेल, प्ले गेम एंड ब्राउज द वेबसाइट। इन सब के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। आप सबके सामने देख रहे हो सर, आपके सामने कंप्यूटर का एक छोटा सा मैंने डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपसे पूछूं मैं अगर, तो भाई ये क्या है? मॉनिटर है। ये क्या है आपका? कीबोर्ड है। ये क्या है आपका? माउस है। ऐसे ही अगर मैं इसका नाम आपसे पूछूं तो क्या नाम बताएंगे मुझे आप इसका, कि इसे क्या कहते हैं हम लोग? अगर मैं पूछूं आपसे कि ये बॉक्स है, इसके अंदर आप देखते हो कि एक बॉक्स रखा रहता है, इस बॉक्स को क्या नाम देंगे आप? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाना चाहूंगा, मुझे आप क्या नाम देंगे? अंकिता, अंगद, मोहिनी, तोमस, बताइए क्या नाम है इसका? मैंने आपको मॉनिटर नाम बताया है, मैंने आपको कीबोर्ड नाम बताया, मैंने आपको माउस नाम बताया, बट मैंने आपको इससे का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या नाम है इसका, ठीक है। तो CPU, यहाँ पर मेरे पास नाम आया, चेरी CPU बता रहे हैं, हेमंत CPU बता रहे हैं, गौरव CPU बता रहे हैं, मोहम्मद इरफान CPU बता रहे हैं, इसका नाम आया है मेरे पास, या CPU कहते हैं इसको। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम CPU नहीं होता। अगर CPU होता तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता। जैसे मैंने आपको मॉनिटर बता दिया था, कीबोर्ड बता दिया, माउस बता दिया था, मैं इसका भी नाम बता देता। लेकिन 90% बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, CPU आंसर बताते हैं और CPU आंसर नहीं होता। वेरी गुड, सोना का यहाँ पर आंसर आया मेरे पास, सिस्टम यूनिट कहते हैं। वेरी गुड, यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया है कि सर इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं, और ये आंसर बिल्कुल सही है। सोना का नाम आया है सिस्टम यूनिट। वेरी गुड सोना, यानी कि सर इसे क्या कहा जाता है? सिस्टम यूनिट। एग्जाम में हमारे पास चार ऑप्शन दिए होते हैं। एक ऑप्शन में दिया होता है कैबिनेट, एक ऑप्शन में दिया होता है CPU, और एक ऑप्शन में दिया होता है हमारे पास सिस्टम यूनिट, और हम लोग क्या लगा के आते हैं आंसर? CPU। और बड़े खुश होते हैं भाई, CPU आंसर लग गया, बड़े खुश हो जाते हैं हम लोग। तो CPU इसका सही नाम नहीं है, सही नाम इसका सिस्टम यूनिट है। CPU क्या होता है? छोटी चिप होती है सर, जिसे हम लोग i9, i7 या फिर i5, i3 जो चिप होती है उसे CPU कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को, इसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि सिस्टम यूनिट क्या है। अब देखते हैं आगे, मैं इसको आगे और डिटेल में समझा देता हूँ। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है IPOS, यहाँ पर
ये IPOS का फुल फॉर्म है, इनपुट प्रोसेसिंग यहाँ पहले आएगा, थोड़ा सा प्रिंट मिसप्रिंट हुआ है। IPOS होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। ये है क्या, ये सीक्वेंस पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इनपुट होता है। इनपुट देने के लिए आप लोग यहाँ पर कई सारे इनपुट यूनिट का यूज करते हैं। इट मे बी अ कीबोर्ड, इट मे बी माउस। उससे आपका डेटा कहाँ पहुँचता है, सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता है, एंड प्रोसेस करने के बाद क्या मिलता है आपको, आउटपुट। और उस आउटपुट को क्या करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अ कंप्यूटर रिसीव डेटा एज अ इनपुट, प्रोसेस इट एंड स्टोर देम फॉर द आउटपुट। यानी कि जिस तरीके से आप एक, मान लो आटा चक्की होती है ना, आटा चक्की जो देखी होगी आपने, उसमें क्या होता है कि आपने गेहूं डाला है ना, गेहूं डालते हैं आप, तो इस तरीके से आप उसमें गेहूं डालते हैं है ना, जो बॉक्सा होता है उसमें आपका प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलता है, आटा मिलता है। तो ये आटा क्या हुआ आपके लिए, आउटपुट। गेहूं क्या है आपके लिए, इनपुट। और यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, प्रोसेसिंग। इस तरीके से हमारा, इसके अंदर चार मैन स्टेप होते हैं, सीक्वेंस पूछा जाता है, सही सीक्वेंस क्या है। तो सही सीक्वेंस क्या बताएंगे आप, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड देन स्टोरेज। ठीक है, पूजा में पीओ में कितना आया था। देखो जितने बच्चे भी यहाँ पे ऐसे हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन सेशन बनाए, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी क्लासेस लाता रहूँ इसी तरीके से, और आप लोगों के ही बेसिस पर, आप लोगों की डिमांड पर क्लासेस आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपसे बता दिया कि आपका, देखिए कंप्यूटर क्या होता है ये मैं बता दिया आपको, ठीक है, और IPOS क्या होता है ये बता दिया मैंने। अब बात करेंगे सब लोग सबसे अर्लीएस्ट कंप्यूटेशन डिवाइस की, कि सबसे अर्लीएस्ट कंप्यूटेशन डिवाइस कौन सा होता है। तो वो सब होता है अबेकस। नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ पिंकी, बिल्कुल, क्लासेस डेली होंगे, टेंशन ना ले आप। असिस्टेंट का पेपर भी है, और देखो जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन आता है ना आपका, सबके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखने में सर अबेकस आपका ऐसा होता है, जो सबसे पहले चाइना ने इसको बनाया था, और उसके बाद में हमारी बहुत सारी मशीनें आई। तो जो कुछ हिस्ट्री है कंप्यूटर की, उसको ध्यान से समझिएगा। कई बार एग्जाम में आपसे हिस्ट्री पूछ ली जाती है, और उसमें एक दो क्वेश्चन आपका बन जाता है, पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे अर्लीस्ट कंप्यूटर कौन सा था, अबेकस था। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, वो पूछ लिया जाता है, या फिर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इसमें से कौन सा है, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर इसमें से कौन सा है, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो देखो उसके बाद आया आपका पास्कल कैलकुलेटर। ये आप नाम सुना होगा, कुछ इस तरीके का था पास्कल कैलकुलेटर। ब्लेस पास्कल ने इसको इंट्रोड्यूस किया कब, 1642 में। ठीक है, यानी कि एक तरीके से एक ऐसा कैलकुलेटर था जिससे कैलकुलेशन की गई। देखो हर वो डिवाइस जो गणनाएं कर सकता है, हर वो डिवाइस जो कैलकुलेशन कर सकता है, वो क्या कहलाएगा आपका, कंप्यूटर कहलाता है। मैं अभी यहाँ पर एक बार फिर कहना चाहूंगा सारे बच्चों से, कि सारे बच्चे फटाफट से क्लास के सेशन को इसको शेयर कर दीजिए, लाइक करिएगा, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो सर आपका यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे आ पाएंगे, और हम आपके लिए क्लासेस रेगुलर ला पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे भी कंप्यूटर अवेयरनेस में वीक हैं, वो यहाँ पर आने के बाद वीक नहीं होंगे। हमारे पास अभी टाइम है, हम यानी कि 19-20 दिन है हमारे पास, 18-19 दिन, उनमें हम लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग सर। अब सर आता है ब्लेस पास, चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर का फादर कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दो मशीनें बनाई थी, एक डिफरेंस इंजन और दूसरा एनेटिकल इंजन। दो मशीनें बनाई इन्होंने, एक डिफरेंस इंजन बनाई थी, दूसरा आपका एनेटिकल इंजन बनाया, और उस बेसिस पर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। राइट, तो कंप्यूटर का फादर हम किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। राइट, तो चार्ल्स बेबेज का नाम हमेशा इसमें आता है, फादर ऑफ कंप्यूटर में आता है। क्यों आता है, कि दो मशीनें बनाई इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछ लिया आता है कि डिफरेंस इंजन किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सर आता है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, 1937 से 1944। मैं कुछ हिस्ट्री के पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर, इसलिए ध्यान रखिएगा।
द स्पेशल स्टेप इन द कंप्यूटर हिस्ट्री बिकॉज मार्क फर्स्ट वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर. ये पहला आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर था और मार्क फर्स्ट के नाम से ये जाना गया. ठीक है, देखने में से देख रहे हो कितना बड़ा है ये, इतना बड़ा आपका था कंप्यूटर. पहले हमारे जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी बड़े साइज में बड़े होते थे और वैसे भी इनकी हीटिंग प्रॉब्लम बहुत होती थी और इनको यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट था और प्राइस कॉस्ट इसकी बहुत होती थी सर. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब आता है ABC. ABC होता है एंट्रेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर. 1939 से 47 के बीच में ये आया आपका. ABC वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था. कौन? ABC. ठीक है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था आपका इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, और इसके बाद आता है आपका ENIAC. ENIAC का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक. अच्छा, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म. और इसमें ये किस जनरेशन कंप्यूटर है मैं आपको बता दूंगा ये, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. आप मेरे साथ कैरी ऑन रहिएगा, लगातार एंड तक बने रहिएगा, आपको इसकी PDF मिलेगा, क्वेश्चंस की PDF मिलेगी और पूरी थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी आपको. पूरा कंप्लीट पैकेज मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, लेकिन सर मुझे आप यहाँ पर रेगुलर चाहिए. तो इसको बनाया किसने है? जॉन मुचली एंड जे क्रिस्पर एकर्ड ने मिलकर बनाया है इसको. US मिलिट्री और वहाँ पर ये बेस था. और जॉन मुचली एंड जे क्रिस्पर एकर्ड, इन दोनों का नाम याद मत भूलिएगा. इन दोनों के साइंटिस्ट को पूछ लिया जाता है कि ENIAC को किसने बनाया. फुल फॉर्म आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. और किसने बनाया ये? जॉन मुचली ने बनाया. ठीक है सर, देखने में सर आप देखोगे तो इस तरह सा ये इतना बड़ा है आपका ENIAC. एक लगभग एक रूम से भी बड़ा साइज होता है ENIAC का. एक रूम से भी ज़्यादा हैवी साइज होता है ENIAC का, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं UNIVAC. इसके बाद आपका UNIVAC आया. मैंने वही वही कंप्यूटर के एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं हिस्ट्री में, कोई एंड नहीं है. लेकिन आपके एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कौन सा आता है, वही मैंने उठा के यहाँ पे आपके लिए दिया है. इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है. इज अ लाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था. ठीक है, जिसने भी आपका जॉन मुचली एंड जे क्रिस्पर एकर्ड की जो कंप्यूटर कॉरपोरेशन कंपनी थी उसने मिलकर बनाया था. और देखने में सर आपका कुछ ऐसा होता है, पिक्चर वाइज अगर देखेंगे आप तो ये आपको देखने में ऐसा मिलेगा. ठीक है, जो कि ये भी बहुत बड़ा साइज में था. ठीक है, तो बच्चों समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी बच्चे को समझने में? अगर कोई भी डाउट रहे, कोई भी कंफ्यूजन पूछ लेना कि सर यहाँ पर ये डाउट है मेरा. ठीक है, क्लर्क के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, PO के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और जो बच्चे ऐसे हैं जो टारगेट कर रहे हैं बैंकिंग के एग्जाम के लिए, सर उनके लिए तो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है सर. ठीक है, चलिए अब सर आता है ADSEC. ADSEC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज. ADSEC है ये, ADVAC नहीं है, ADVAC अलग होता है. ADSEC फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. देखने में सर आपका ये ऐसा होता है और ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है. ठीक है, तो इसकी भी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको केवल क्या करना है, इस पॉइंट पर जो बता रहा हूँ कि ये सारे के वो कंप्यूटर हैं जो आपके हिस्ट्री के अंदर इनका नाम आता है, जो काफ़ी फेमस रहे हैं और इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे. ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे. ठीक है, टेंशन ना लें आप. बिल्कुल क्लासेस जो मैं आपको लेने वाला हूँ, आपके जो लेके आ रहा हूँ, वे सारी क्लासेस आपके लिए ENIAC होंगी, PO के एग्जाम के लिए, क्लर्क के पेपर के लिए. ADVAC देखो ये रहा, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ये भी आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि ये देखने में ऐसा होता है. और ये भी आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक, अब सर आता है यहाँ पर सबसे पहला एक कौन प्रश्न आता है कि इंडिया बॉट फर्स्ट कंप्यूटर. इंडिया ने सबसे पहला जो कंप्यूटर खरीदा था वो 1956 में खरीदा था, जो कि 10 लाख रुपए का था. और इट वॉज कॉल्ड HEC-2M. इसका नाम क्या था? HEC-2M नाम था जिसको इंडिया ने सबसे पहले कंप्यूटर खरीदा था. और ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ सबसे पहले? आपका कलकत्ता में इंस्टॉल हुआ था ये.
कलकत्ता के अंदर इंस्टॉल हुआ आपका ये, और इट वॉज नथिंग मोर देन नंबर ऑफ क्रेंसिंग मशीन, केवल साइज में बड़ा था और नंबरिंग क्रेंसिंग के काम में आपकी काम आता था ये। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि पहले कंप्यूटर की कितनी कॉस्ट हुआ करती थी। आप याद करिए वो दिन जब आप पहली बार, मैं अगर मैं बात करूँ अपनी, तो सर मैं जब पहली बार अपने कंप्यूटर लेके आया तो 2002 में मैंने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा था, ठीक है, और उस रूम में रखा था सर जहाँ पर गलती से भी धूल नहीं घुस जाए, पूरा साफ सफाई करके रखा रखना होता था। जूते चप्पल भी हम लोग बाहर उतार करके हम अंदर घुसते थे, क्योंकि ये कहा जाता था कि भाई धूल धकड़ आ गई तो भाई आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। लेकिन आज आप देखिए कि कैसे पड़ा रहता है, दो गुल धूल निकलेगी कम से कम, अगर आप वैक्यूम क्लीनर से साफ करोगे तो अपने डेस्कटॉप को, ठीक है। तो ये सब पुरानी बात है, तो इसलिए थोड़ा सा हिस्ट्री के मैंने पॉइंट सबको बताया है ये कि भाई किस किस तरीके कंप्यूटर्स पहले थे और उनकी फुल फॉर्म क्या थी, ठीक है। आप देख रहे हैं सर, ये तस्वीर को देखिए ध्यान से जरा, ये शायद आपने नहीं देखे होंगे, जानते होंगे आप इनको, ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहला आपका परम 8000 यानी कि सुपर कंप्यूटर बनाया। सुपर कंप्यूटर का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000, इन्होंने, ये विजय नाम है इनका, इन्होंने बनाया था इसको 1991 में। उसके बाद में परम 10000 आया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो सर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपका जो है परम 8000 था। परम नाम तो सबको पता होता है, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो आपसे परम 8000 है ना, या परम 10000 या परम 5000 ऐसे दे देते हैं। तो वहाँ पे आप याद रखिएगा कि परम 8000 नाम था आपका सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। सर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की फंक्शन क्या थी, बिल्कुल बताने वाला हूँ, जनरेशन पढ़ाऊंगा आपको मैं, टेंशन ना लें आप, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा आपको जनरेशन के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, और हम क्यों आए भाई, बस आप लोगों को यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सारे बच्चे लिंक को भाई शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं बता दो सारे बच्चों को कि हाँ अब कंप्यूटर का क्लास अड्डा 247 पर आपको अवेलेबल होगा। टाइमिंग होगी हमारी 1 बजे की, ठीक है, और आरआरबी पीओ मेंस को मैंने फोकस किया है इसमें सबसे ज़्यादा। चलिए तो भाई अब हम बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं सर। तो यहाँ पे अगर देखें सर टाइप्स के बारे में बात करता हूँ, तो एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड। यानी कि अगर मैं देखूँ तो वर्किंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक आपका एनालॉग, दूसरा आपका डिजिटल, तीसरा आपका हाइब्रिड। मैं सर आपको गारंटी देता हूँ ये जो नोट्स मैं आपको दूंगा ना, ये नोट्स भी पढ़ लोगे ना आप लोग, तो भी आप लोग 40 में से 38 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। बस कैरी ऑन बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक बने रहिएगा सेशन के, तो आपको फायदा मिलेगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं आपके। देखो भाई कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है केवल, ठीक है, क्योंकि मैं एनालॉग, अब एनालॉग है मानो ये लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, एनालॉग हिंदी में ऐसे लिख दूंगा बस, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो यार आपको बस इतनी रिक्वेस्ट है कि कंप्यूटर सेक्शन ऐसा है जो हिंदी बहुत खतरनाक है इसकी, इसको तो आप अगर अंग्रेजी में पढ़ें ज़्यादा बेटर है, और अंग्रेजी इतनी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल अंग्रेजी लिखी है मैंने इसकी, बहुत सिंपल इंग्लिश है, और मैं हिंदी में सब आपको समझा रहा हूँ, सारा कुछ एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ सारा हिंदी में कर रहा हूँ, ठीक है। डॉली सिंह धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके लिए मेहनत करेंगे आपके एग्ज़ाम को निकालने के लिए, आपकी आरआरबी पीओ मेंस का पेपर जो है उसको निकालने के लिए। सर बस आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि आप बस हमारे साथ कैरियर लगातार बने रहिएगा, और सेशन को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं बताया कि कंप्यूटर आपका एनालॉग होता है, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम यहाँ पे देखें अगर सर, तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो देखो एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो कंटिन्यूस पल्स पे काम करते हैं। कंटिन्यूस पल्स मतलब कौन से हो गए, जैसे एग्जांपल देखें हम लोग तो स्पीडोमीटर हो गया जो पहले हम यूज करते थे, वोल्ट मीटर होता है आपका, क्या है आपका एनालॉग कंप्यूटर है, थर्मोमीटर है, ठीक है, क्या है एनालॉग कंप्यूटर है, यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स जो कंटिन्यूस पल्स पे काम करते हैं क्या कहलाएंगे आपके, एनालॉग कंप्यूटर। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे कंप्यूटर कैसे थे, एनालॉग ही थे, जो हमारी हम जो घड़ी पहनते हैं वॉच जो होती है वो एनालॉग वॉच होती है, वो भी क्या एक कंप्यूटर ही तो है, क्योंकि क्या कर रही है वो कैलकुलेशन कर रही है, और कब तक करती रहती है, जब तक वो चलती रहती है। बाइक में स्पीडोमीटर होता है
वो चलता रहता है, आपकी कैलकुलेशन करता रहता है, तब तक जब तक वो आप उसको कैलकुलेशन करवाते हैं, जब तक बंद नहीं होती बाइक आपकी। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो कंटिन्यूस पल्स पे काम करते हैं क्या कहलाएंगे हमारे, एनालॉग। और सर ऐसे कंप्यूटर्स जो डिस्क्रीट पल्स पे काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा, डिस्क्रीट मतलब 10 10 0 10 0, 10 मतलब ऑन ऑफ के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। वो कंप्यूटर कौन से होते हैं हमारे, डिजिटल होते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जो 10 10 0 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं वो कौन से होते हैं, डिजिटल। अब डिजिटल में कौन कौन से टाइप्स हैं सर आपके, तो सुपर कंप्यूटर किसका टाइप है, डिजिटल कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसका टाइप है, डिजिटल कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर्स किसका टाइप है, डिजिटल कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर किसका टाइप है, डिजिटल कंप्यूटर का। और पर्सनल कंप्यूटर भी जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर पर, तो वो कौन से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर में कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है बेटा, हिंदी में दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी कंप्यूटर की हिंदी और इंग्लिश एक जैसी होती है लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। बताओ कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग। अभी तक मैंने कंप्यूटर पढ़ाना शुरू किया, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको संगणक पढ़ा रहा हूँ, संगणक नहीं कहा मैंने। संगणक होती है हिंदी, इसकी बड़ी खतरनाक है भाई, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत से इसके टर्म ऐसे हिंदी में, अब मैं बोलूंगा ना तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा और आप भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अच्छा हाइब्रिड सर कौन से होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों पे काम करता है। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका श्रीकांत। देखो यहाँ पे बहुत सारी कमेंट आ रही है, किसी की कमेंट में ना ले पाऊँ तो कृपया बुरा मत मानिएगा। ठीक है, मैं किसी कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे पढ़ाना भी है और अभी कमेंट भी लेनी है, तो आप समझ सकते हैं। तो इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे से तो क्वेश्चन को दोबारा पूछने की कोशिश करिएगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी, टेंशन ना लें, आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। ठीक है, हाँ जैसे अब हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, हॉस्पिटल्स में देखा होगा आपने, इस तरह की लाइन चलती है आपकी, है ना, देखा होगा हॉस्पिटल में लाइन चलती है इस तरीके से। वो लाइनें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स की होती हैं। दैट इज यूज टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट, जो कि पेशेंट की हार्ट बीट को मेजर करने में यूज होती है। ठीक है, यूज टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट, ठीक है, वहां पे इनका यूज होता है। तो इस तरीके से आपके एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। क्लियर पॉइंट यहां तक, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। आगे बढ़े, देखिए यहां मैंने लिखा भी है आपके लिए, एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं सर, वो कंप्यूटर्स जो कंटिन्यूअसली चेंजेबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको मैंने दिखाया, इस आपका वोल्ट मीटर है, आपका थर्मोमीटर है, स्पीडोमीटर है, ये सारे कैसे हैं हमारे, एनालॉग कंप्यूटर में काम करते हैं। ठीक है, ये रहे आपके डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें आपका सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, मिनी है और माइक्रो है, ये सारे किसमें आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। और जो हम यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं सर अपने घर पर, माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं हम। जो यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो यार, हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर पर क्वेश्चन किस किस तरीके से बनता है, किस किस तरीके से आपके एग्जाम में आता है वो देखते हैं। तो सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर दैट इज यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फॉरकास्टिंग एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यानी कि सुपर कंप्यूटर का यूज जो होता है वो साइंटिफिक रिसर्च में होता है, वेदर फॉरकास्टिंग में करते हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, किसका, सुपर कंप्यूटर का। तो द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन फ्लॉप्स। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड,
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। परम 8000 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, जो हमारा सबसे पहला, जो इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, परम, और क्रेवन जो है वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। यानी कि अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है क्रेवन, और अपनी इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, परम 8000। दोनों क्वेश्चन आपके इस तरह से यहाँ पर बन जाते हैं। तो इंडिया का कौन सा है और वर्ल्ड का कौन सा है, और जो इसकी स्पीड मेजर होती है किसमें होती है, फ्लॉप्स में होती है। हाँ बिल्कुल राज सही कह रहे हो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड होती है। हाँ जन्नत, ट्रिपल सी की क्लासेस हम लोग रेगुलर कराएंगे आगे, वो भी होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सर साइज में बड़े होते हैं और इनका यूज हम सबसे ज्यादा बैंक बिजनेस पर्पस में करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी, एयरलाइन, ठीक है, बैंक, बैंकिंग सेक्टर में, और इनका जो यूज़ है हम लोग रेलवे रिजर्वेशन में, इनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि मेनफ्रेम कंप्यूटर यूज़ फॉर बिजनेस पर्पस लाइक इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है, वहाँ सबसे यूज़ होता है। इसमें एग्जांपल देखें हम लोग तो IBM 360, IBM 370, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, आपके मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ये पावरफुल होते हैं लेकिन मेन फ्रेम से कम पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू हैंडल द प्रोसेसिंग मेनी यूजर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ कई सारे यूजर्स को हैंडल करते हैं ये, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल जो हैं ये नहीं होंगे, IBM ये नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल होता है IBM 17, ये एग्जाम्पल किसके थे, मेन फ्रेम के थे, ठीक है। IBM 17 जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा IBM क्या है सर आपका, IBM आपकी कंप्यूटर के अंदर सबसे पुरानी कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है, किसका, IBM का, ठीक है। अच्छा देर आर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, आप बता दिए माइक्रो कंप्यूटर्स की सर, तो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, पाम टॉप है, ये सारे कैसे हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर की हम बात करें तो ये सारे क्या है हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज हम लोग खुद करते हैं। जैसे हम लोग इस समय सबसे ज्यादा यूज क्या कर रहे हैं, लैपटॉप, तो ये क्या है आपका एक माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। अच्छा एक होता है हमारा PDA, जैसे हम लोग पाम टॉप कहते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो हमारा हैंड से यूज होता है, इसको हम लोग हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कह देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बसों में टिकट निकाल देते हैं आप लोग, कार्ड स्वैप करते हैं, इलेक्ट्रिकल बिल मिल जाता है आप लोगों को, तो वो जो कंप्यूटर है वो कौन सा है हमारा, PDA कहलाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहलाता है। तो ये आपका हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, ठीक है, इसका यूज हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक। PDA आप देख सकते हो देखने में ऐसा होता है। अच्छा ये आती है सर आपकी जनरेशन सर, अब हम बात करेंगे इसमें जनरेशन की, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जनरेशन में देखता हूँ सर आपका, तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सर इतने बड़े होते हैं साइज में, ये आपकी सेकेंड जनरेशन है, ये आपके थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, ये आपका फोर्थ जनरेशन, और ये आपका फिफ्थ जनरेशन। यानी कि जो अंडर डेवलपमेंट जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है, फिफ्थ चल रही है। तो टोटल कितनी जनरेशन हो गई हमारी, फाइव, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, और फिफ्थ हमारी जो है वो कौन सी है, अंडर डेवलपमेंट जनरेशन है जो अभी भी चल रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि टोटल आपकी पांच जनरेशन आई हैं, और उनमें ये बताया गया है कि आखिर कंप्यूटर का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है,
ठीक है, आखिर कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, ये चीज़ समझाई गई है हमें यहाँ पर इवोल्यूशन के अंदर। ठीक, अच्छा देखने में देखेंगे आप तो कंपोनेंट्स जो यूज हुए हैं आपके जनरेशन में कौन कौन से हैं। वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ है फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं आपके सेकेंड जनरेशन में, आईसी यूज हुई है आपकी थर्ड जनरेशन में, ये फर्स्ट में, ये आपकी सेकेंड जनरेशन में, सॉरी ये आपके सेकेंड में, ये आपके थर्ड में, ये आपके फोर्थ में यूज हुए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि आखिर कौन सी जनरेशन में क्या डिफरेंशिएशन है, किस तरीके से फर्स्ट जनरेशन में की क्या प्रॉपर्टीज हैं या उसकी क्या कैसे काम होता था उसमें, फिर सेकेंड जनरेशन में कैसे काम हुआ, वो चीज़ समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो सर, फर्स्ट जनरेशन आपको मिलती है 1942 से 1955। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो आपको ईयर है ना, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल सकती है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग राइटर ने, अलग अलग बुकों ने अलग अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं उसको आप याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन आपकी 1942 से शुरू होती है और 1955 तक जाती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, यानी कि किस पर बेस्ड थे आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे। मशीन लैंग्वेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, मतलब 10101 में आपका प्रोग्रामिंग होती थी। ठीक है, और पंच कार्ड एंड पेपर टैप का यूज़ हुआ फॉर इनपुट के लिए, और मैग्नेटिक ड्रम यूज़ फॉर मेमोरी। सबसे पहले यहाँ पर 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, इसका 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। ठीक है, जिसके एग्जांपल देखें आप तो एनिक मिलेगा आपको, एडवैक है, यूनिवैक है, IBM 701 है, ये सारे क्या हैं इसके सर, एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी, ये सारे कंप्यूटर बताए थे मैंने आपको, एनिक का फुल फॉर्म बताया था, एडवेक का बताया था, यूनिवेक, IBM 701, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। एक बार में यहाँ पे मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। यस अमृता, पिंकी, हैप्पी, साक्षी, एनी डाउट है, ज्योति, करण, ठीक है, इसमें पॉइंट में कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप यहाँ तक। और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट जो मैंने आपसे की है वो ध्यान रखिएगा कि आप लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे बाद में या जो बाद में देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है, वो इस लिंक को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए, तो ये सर होता है पंच कार्ड। देखो पंच कार्ड पेपर टैप में इस तरह से होता है आपका, जो इनपुट देने का काम आता है। पंच कार्ड इज अ पीसेस ऑफ पेपर दैट कंटेन डिजिटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ होल्स, यानी कि जो होल्स के बेसिस पर आप प्रेजेंस और एब्सेंस आपकी देखी जाती है, जो कि आपके पंच कार्ड में होती थी। तो पंच कार्ड अगर कहता है तो कैसा होता है, इस तरह दिखने में होते हैं आपके पंच कार्ड। ठीक है, अब ये सर एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। तो एनिक ये रहा, ये आपका एडसेक है, इनकी फुल फॉर्म मैंने दोबारा फिर लिखी है, क्यों ना फिर आ चुके हैं एग्जाम्पल ये बेसिस पर, एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक रिले स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इनकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इन ये एग्जाम्पल हैं किसके, फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, मार्क फर्स्ट भी आपका फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है, ये आपका एडसेक हो गया, ये आपका यूनिवैक हो गया, ये भी क्या है हमारा फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी हमारा किसका है, फर्स्ट जनरेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब सर आता है आपका सेकेंड जनरेशन, 1955 से 1964 तक चलती है आपकी सेकेंड जनरेशन, यानी कि ट्रांजिस्टर्स यूज्ड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पर क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर यूज हुए इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर इसका यूज हुआ ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर्स यूज लेस पावर एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, मेमोरी मूव मैग्नेटिक ड्रम टू मैग्नेटिक कोर, यानी कि मैग्नेटिक कोर में मेमोरी का यूज हुआ, और इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज हुई। सेकेंड जनरेशन में यूज क्या हुई, असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज में क्या है, न्यूमेरिक कोड यूज होते हैं, MNEMONIC
न्यूमेरिक कोड का यूज़ हुआ, जैसे आपको एडिशन करना है तो उसके लिए ए डबल डी, सबस्टिट्यूशन करना है तो उसके लिए एस यू वी, न्यूमेरिक कोड का यूज़ हुआ। असेंबली लैंग्वेज यूज इन सेकेंड जनरेशन, इसके एग्जाम्पल हैं आई बी एम 1401, आई बी एम 305, ये इसके एग्जाम्पल है किसके, सेकेंड जनरेशन के। ठीक है सर, ये क्लासेस डेली होंगी, प्लीज़ एक बार बता दीजिए। बिल्कुल विष्णु, ये क्लासेस डेली होंगी, आप लोगों को टेंशन न लें आप। ठीक है, मंडे, अभी क्लासेस का प्लान जो हुआ है मंडे, ट्यूजडे और वेनेसडे का हुआ है। ठीक है, 3 दिन क्लासेस होंगी वीक में, एक को एक बार लगातार मिलेंगी, आगे भी क्लासेस ये बढ़ सकती हैं आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड जनरेशन, तो यहाँ पे यूज हुआ ट्रांजिस्टर और एक्स का एग्जाम्पल ये रहा आई बी एम 1401। अब आता है थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आपकी सर 1964 से 1971 तक चलती है, इसमें आपका यूज हुआ आईसी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड आईसी इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और आईसी जो बनी होती है सर बनाई थी जैक किल्वी ने। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके PDP-8, PDP-11, IBM 360, IBM 370 आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेज का समय इसमें यूज हुआ, यानी कि यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई, बेसिक है, पास्कल है, सी है, इसके एग्जाम्पल हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। फोरट्रेन है, कोबोल है, ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, और फोरट्रेन तो सर आपकी सबसे पहली फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। फोरट्रेन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन वॉज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है सर आपको देखने में थर्ड जनरेशन का। अब आते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आपकी सर होती है स्टार्ट माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन, यानी कि सर यहाँ पे यूज हुआ क्या, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल, यानी कि यहाँ पे सर यूज हुआ VLSI, VLSI टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपके साइज छोटा किया गया और टेक्नोलॉजी को इंक्रूज किया, इंक्रीज किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन 1971, ठीक है, जिसको इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था, टेड हॉफ साइंटिस्ट का नाम था। इसका एग्जाम्पल है आपका PC, पर्सनल कंप्यूटर, जो आप देख रहे हैं आजकल, आप जो यूज करते हैं PC को, वो आपका फोर्थ जनरेशन में आया। और सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर क्वेश्चन बनने वाला, ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ आपका इसमें फोर्थ जनरेशन में, क्या यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस इन फोर्थ जनरेशन। ठीक है सर, क्लियर पॉइंट। अब सर आता है फिफ्थ जनरेशन, तो 1989 से टिल नाउ अब तक जो चल रहा है आपका, वो क्या है आपका, फिफ्थ जनरेशन चल रही है। और इसमें सर आपको बता दूं मैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का यूज हुआ फिफ्थ जनरेशन में, क्या यूज हुआ, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें रोबोट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। रोबोट देख रहे हैं आप, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका फिफ्थ जनरेशन का, ठीक है, जिसमें ULSI का यूज हुआ, ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इसमें यूज हुआ। सोफिया हैज बिकम द फर्स्ट रोबोट दैट हैज बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप, सऊदी अरब ने सबसे पहले रोबोट जो सोफिया, सोफिया नाम का है, उसको नागरिकता भी दी है, सिटीजनशिप भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है सर, तो इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आया आपका ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आया आपका आईसी, फोर्थ में आपका माइक्रोप्रोसेसर, और फिफ्थ में आपका वैक्यूम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ, राइट। हेमंत देखो, IT की वैकेंसी जब आएंगी तो हम आपको बताएंगे, SOIT का बैच बनेगा आपका, उसकी क्लासेस भी चलेंगी रेगुलर, ठीक है, वो आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लो, बहुत जल्द आपको मदद कर जाएगा।
अच्छा सर, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। जैसे चार्ल्स बेबेज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, पहला पॉइंट, कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। एलन ट्यूरिंग इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। अब देखो, एलन ट्यूरिंग को भी हम फादर कहते हैं कंप्यूटर का, लेकिन किसका कंप्यूटर है? मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ईडी रॉबर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो देखो डिफरेंस देखिए, यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? एलन ट्यूरिंग। और पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है? ईडी रॉबर्ट। तीनों क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जा रहा है वो किस लेवल से पूछा जा रहा है, वो किस फादर की बात कर रहा है। लेडी एडा अगस्टा वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, जो पहली प्रोग्रामर थी वो कौन थी? लेडी एडा अगस्टा। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा जो है आपका 1854 में यूके जॉर्ज बूली ने बनाया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स को 1948 में यूएसए ने, जॉन बुर्डीन ने इन्वेंट किया था। जॉन बुर्डीन इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर्स 1948। फोर्ट्रेन वाज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रेन आपकी सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको बनाया किसने है? जॉन बैकस ने, ठीक है। और 8-bit 8008, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर था जो सबसे पहले यूज हुआ, आया था 4004, लेकिन यूज हुआ हमारा 8088, जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, ठीक है। कीबोर्ड इंट्रोड्यूस बाय द क्रिस्टोफर लॉथम सोलेस, कीबोर्ड किसने बनाया? तो क्रिस्टोफर लॉथम सोलेस ने बनाया। माउस इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर डगलस इंगिलबर्ट, माउस को किसने इन्वेंट किया है? डॉक्टर डगलस इंगिलबर्ट ने। WWW जो है किसने बनाया, इंट्रोड्यूस किया है? टिम बर्नर्स ली ने बनाया है। विंडसर्फ कंसीडर्ड टू बिकम फादर ऑफ इंटरनेट, विंडसर्फ को इंटरनेट का फादर कहा जाता है। गूगल वाज फाउंडेड इन सितंबर 1999 में लैरी पेज एंड सर्जे बिंड ने इसको फाउंडेड किया। याहू को यहाँ पर बनाया है 1994 में, और जेरी यंग एंड डेविड फ्लो ने बनाया। फेसबुक इन्वेंटर आपको जानते ही हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं। और व्हाट्सएप को आपका ब्रिन ऑक्टन एंड जेन कॉम ने बनाया। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं सर आपके एग्जाम के लिए, जो एक एक नंबर में आपके पूछे जाते हैं, बनते हैं। इनको जरूर याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा भैया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं आपको। एक तरह से मान लो कि पूरा कंक्लूजन है आपके लिए, ठीक है। तो माउस किसने बनाया, कीबोर्ड किसने बनाया, ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब के बारे में, ट्विटर के बारे में, और भी फ्लिपकार्ट है, एप्पल है, ठीक है, ये भी मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं जो आपके सामने यहाँ पर हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, ये रहा हमारा आज का सेशन, ठीक है। पूरा कंप्लीट हमारा टॉपिक हो चुका है, ठीक है। इसके MCQ मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट करिएगा, ठीक है। और हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फिर हम आपसे मिलेंगे कल क्लास में। तो भाई मैं था सुरेंद्र सोलंकी आपके साथ, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास, जय हिंद।